आपको बता दें कि इस वक्त जोधपुर में कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कंगना रनौत की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जोधपुर से देख रहे हैं। इससे पहले पाली में भी कंगना रनौत ने पीपी चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला। तो आप देखिए किस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि नेताओं से लेकर अभिनेता तक अब चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कंगना रनौत। और देखिए जय श्री राम के जो उद्घोष के साथ अपने रोड शो की शुरुआत यहां पर बीजेपी 400 पार का नारा देती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है। और सुबह से आज ये रोड शो का सिलसिला लगातार जारी है। दो दिन के प्रवास पर है राजस्थान के कंगना रनौत, और जहां पर धुआंधार प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं। और अभी इस वक्त जोधपुर में है गजेंद्र सिंह शेखावत, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और उनके समर्थन में ये रोड शो जो है निकाला जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में आपको वहां पर लोग नजर आ रहे होंगे। पुलिस का कड़ा पहरा है, हर एक जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा है वो कंगना के साथ तस्वीर क्लिक करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहा है। और क्योंकि एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, आज एक नेता के तौर पर कंगना यहां पर पहुंची है। बीजेपी प्रत्याशी है इस बार मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, और कमान जो है उन्होंने अन्य प्रदेशों की भी संभाली है। और बिल्कुल नेताओं की तरह, एक मंझे हुए नेता की तरह कंगना रनौत ने इससे पहले पाली में प्रचार किया। अब ये रोड शो चल रहा है जोधपुर में, और कंगना रनौत ने इस रोड शो के दौरान जो पाली में हुआ था ये कहा था कि मेरा डीएनए राजस्थान का ही है, और जय भवानी का उद्घोष यहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से किया गया। तो साफ तौर पर जो जोधपुरवासी हैं इससे पहले पाली के लोगों को बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए देखा गया, पूरी कोशिश कंगना रनौत की यहाँ पर की गई। तो देखिए तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री के तौर पर अहम मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास, लगातार दो बार से सांसद हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ करण सिंह उचियारड़ा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। तो आप लंबी लंबी यहां पर गाड़ियों की कतार देख सकते हैं, साथ ही साथ भीड़ भारी देख सकते हैं। महिला मोर्चा एक तरह से कहें कि पूरी तरह से इस रोड शो की गाड़ी पर सवार, बड़ी संख्या में यहाँ सिक्योरिटी भी की गई है, और लोगों का भी काफिला यहाँ पर देखा जा सकता है, लोगों की भी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि दो दिन का प्रवास यहाँ कंगना रनौत का है। आज पहले पाली में उन्होंने रोड शो किया, और उसके बाद अब ये जोधपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये दिन में जब पाली में किया था रोड शो उसकी तस्वीर आप देखेंगे, और फिर कल आज रात्रि विश्राम यहीं जोधपुर में है कंगना रनौत का, और उसके बाद कल का दौरा जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सीट पर। तो कुल मिलाकर मारवाड़ में राजनीति और राजनीतिक प्रचार, चुनावी प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी से जब रिएक्शन ली गई कि कंगना रनौत यहाँ पर आई है, तो उनका कहना कि कई तरह के फिल्म कलाकार पहले भी आ चुके हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो घूमने आ रहे हैं उनको घूमर करना चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से की गई। लेकिन फिलहाल फोकस कंगना रनौत का यहाँ पूरे जोश के साथ दिखाई दे रही है। बीजेपी का झंडा, जिसपे चुनाव चिन्ह साफ तौर पर बीजेपी का दिखाई दे रहा है, पूरे जोश के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोगों से ये आग्रह करते हुए, गुजारिश करते हुए कि बीजेपी प्रत्याशी को 26 तारीख को होने वाले मतदान के दिन वोट डालकर विजयी बनाएं। ढोल नगाड़ों की थाप, बिल्कुल पारंपरिक तरीके के जो मारवाड़ी जो साज होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, तो उनकी गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। जोश से लबरेज ये कलाकार भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ है। पुलिस के लिए कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ये जोधपुर के लोगों का क्रेज है जो इस वक्त कंगना रनौत के रोड शो में पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और ये बीजेपी की जो जोधपुर की सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, और दूसरी तरफ उचियाड़ा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, और दोनों के बीच ही काफी दिलचस्प मुकाबला है। दोनों का राजनीतिक अनुभव भी अगर हम देखें तो काफी लंबा रहा है, और जोधपुर की जनता इस बार किसको
वोट देकर विजय बनाती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये आप चुनावी रैली को देखिए, आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है और उनके साथ बीजेपी की पूरी महिला ब्रिगेड मौजूद है इस रोड शो में। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है और लोगों की भीड़ इस कदर नजर आ रही है, देखिए डीजे भी लगाया गया है और किस तरीके से ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी तक की जा रही है। तो एक बेहद ही ग्रैंड ये रोड शो अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना जो क्रेज है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस रोड शो में पुलिस के लिए सुरक्षा को कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सभी के कैमरे ऑन है, एक एक तस्वीर जो है लोग इस रोड शो की अपने फोन में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और जो जोश है कंगना रनौत का वो इस समय भी इस तरीके से जारी है क्योंकि सुबह से वो लगातार रोड शो कर रही है, लेकिन अभी तक जो उनका जोश और जज्बा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आज पाली रोड शो में भी कहा है कि उनका जो डीएनए है वो राजस्थान का है और उन्होंने जय भवानी के नारे भी लगाए और इससे पहले कई ऐसी मूवीज जो हैं वो कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने राजस्थान की संस्कृति और यहाँ के राजा रजवाड़ों को भी दिखाया है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जय भवानी के साथ जब उद्घोष किया तो वहाँ पर मौजूद जनता में जो उत्साह है वो अलग ही नजर आया। तो कंगना रनौत के हाथों में इस वक्त कमान है और वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां पर जो फूलों की बारिश है वो लगातार की जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो जश्न है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है।